हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं DCRT 1 के केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन। पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करें इससे पहले आई होप आप सबके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। जिनके पेपर अच्छे हुए हैं, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, वो अपना मेंटेन रखें, कायदे से मेहनत करते रहें और अगले टेस्ट में भी अच्छा नंबर ले आए, ठीक है। और जिन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए हैं वो भी डिमोटिवेट ना हो, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह की गलतियां आई हैं उसे एनालाइज करें और देखें किस टॉपिक में गलती हुई है उसे देखें और खूब मेहनत करके अपने नंबर को क्या करें, इंप्रूव करें, राइट। तो सभी बच्चे लगातार मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन बहुत अच्छा होगा और आप सबके स्कोर बहुत अच्छे होंगे। तो जिनका अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, मेहनत करते रहे, मेहनत करना ना छोड़े, राइट, अच्छा नंबर आता रहेगा। और जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो भी डिमोटिवेट ना हो, गलतियां देखें और उसे इंप्रूव करें, राइट। तो लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन डेफिनेटली आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। और आपको जो है, आपको जो मन चाहिए आपकी रैंक है वो जरूर मिलेगी, ठीक है। तो बस यही अपने मन में रखें और इस तरीके से लगातार मेहनत करते रहें, मेहनत ना छोड़े बिल्कुल, है ना, अपने मन में मोटिवेशन बना के रखें, राइट। तो पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं पेपर की। पेपर जो था वो कई सारे चैप्टर्स थे इसमें, लेकिन पेपर का लेवल मुझे तो आसान लगा, इजी टू मॉडरेट ही था, बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन थे, पेपर जल्दी हो भी गया होगा आपका और उम्मीद है अच्छे नंबर आए होंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है P4O10 में नंबर ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड कितने हैं। आप सबको मालूम है कि होते नहीं है एक भी फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड, आपको P4O10 इन सबका स्ट्रक्चर याद करने का तरीका भी बताया है ना, P4, P4O6, P4O7, P4O8, P4O9, P4O10, इन सब है ना स्ट्रक्चर्स को याद करने का तरीका भी बताया, ट्रिक भी बताई कि कैसे इन स्ट्रक्चर्स को याद रखें, ठीक है। क्लासरूम में इसको बहुत अच्छे से बता रखा है। तो P4O10 का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखें, वैसे तो आप सबको मालूम है इसमें फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं रिविजन पर्पज के लिए। ये आपके स्ट्रक्चर है P4O10 का, किसका स्ट्रक्चर है P4O10 का। तो आप इसमें देखें जितने भी बॉन्ड है वो क्या है आपके फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस के हैं, फॉस्फोरस फॉस्फोरस कहीं भी डायरेक्टली कंबाइंड नहीं है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस इस स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर किसका है P4O10 का, और इस स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस फॉस्फोरस कहीं भी डायरेक्टली कंबाइंड नहीं है, हर जगह बीच में ऑक्सीजन आ रहा है। तो नंबर ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड आपका आपस में जो लिंकिंग है बॉन्ड वो क्या हो जाएंगे आपके जीरो हो जाएंगे, राइट। कितने हो जाएंगे ये जीरो, क्योंकि कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, राइट, सारे ही ऑक्सीजन के थ्रू लिंक है, राइट। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि लाइक फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड कितने हैं, ऑलरेडी मैंने इस पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करवा रखे हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखें, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट इज, किस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल है। अगर आप SF4 को देखें तो SF4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, राइट, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिए SF4 का, आप सबको मालूम है, निकाल सकते हैं आप, इसका स्ट्रक्चर होता है आपका सीसॉ स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है सीसॉ स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, है ना, प्लेन में आपका, प्लेन के अंदर आपका लोन पेयर आता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका शेप किस तरह का होता है सीसॉ शेप होता है, कैसा होता है राइट। और आपको पता है इसमें क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, SF4 में कितने लोन पेयर है आपके, वन लोन पेयर है, क्या है आपका वन लोन पेयर, इसमें क्या है आपका वन लोन पेयर, और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर केवल एक ही लोन पेयर है तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है कैंसिल आउट नहीं होता है। SF4 में क्या है आपके लोन पेयर का नंबर क्या है वन, वन लोन पेयर, और अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसका डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होता, इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आएगा और डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपकी नॉन जीरो आ जाएगी, राइट। तो इसमें आपका परमानेंट डायपोल प्रेजेंट होगा SF4 में, बाकी सारे मॉलिक्यूल में आपका डायपोल मोमेंट क्या है जीरो है, बाकी सारे मॉलिक्यूल में आपका डायपोल मोमेंट क्या है जीरो है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस नेट पाई बॉन्ड ओनली। आप सबको मालूम है यार कि B2 एंड C2 के पास केवल पाई बॉन्ड होते हैं, रटवा रखा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आपका केवल कह रहा नेट पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो ही नहीं, तो आप B2 को देखो और C2 को देखो, B2 को देखो C2 को देखो, B2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10 और C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 12, है ना, इनका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहो तो
इलेक्ट्रॉन देखो टू 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 टू, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं सिक्स और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं फोर। यहां देखें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहा है एट और एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है फोर। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो बी टू और सी टू का बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो कितना जाएगा, सिक्स माइनस फोर अपॉन टू, एट माइनस फोर अपॉन टू, यह आ जाएगा सी टू का। तो बी टू का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, बी टू का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है आपका वन, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बी टू वन, और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी टू कितना आ रहा है आपका टू, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी टू कितना आ रहा है टू। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बी टू आपका वन और सी टू का बॉन्ड ऑर्डर टू। और ये जो है ना लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन यहां है और जो लास्ट के चार इलेक्ट्रॉन यहां है, बी टू के जो दो लास्ट के इलेक्ट्रॉन है, बी टू के ये जो दोनों लास्ट के इलेक्ट्रॉन है कहां है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। आप करके देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। अगर आपको ये नहीं आता है करना, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन पे ही करना है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे तो देखेंगे लास्ट के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। सिमिलरली सी टू के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है लास्ट के, वो कहां आ रहे हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ रहे हैं। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ रहे हैं, तो जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वन और टू, ये क्या आ रहा है आपके, पाई बॉन्ड आ रहे हैं। तो बी टू का जो बॉन्ड है क्या, पाई बॉन्ड है, और सी टू का भी जो दोनों बॉन्ड है क्या, दोनों के दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आपका ये सही हो जाएगा, राइट। तो बी टू और सी टू दोनों होगा, इस हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर होगा फोर करेक्ट है ना, बोथ ए एंड वन एंड टू, यानी कि बोथ बी टू एंड सी टू, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है द स्पीसीज हैविंग नो पी पाई बॉन्ड, कोई भी पी पाई बॉन्ड नहीं है, नो पी पाई बॉन्ड, नो पी पाई बॉन्ड, नो पी पाई बॉन्ड, यानी कि कोई भी पी पाई बॉन्ड नहीं है, यानी कि अगर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो किस नेचर का है, पी पाई डी पाई नेचर का है, किस नेचर का है, पी पाई डी पाई नेचर का है। एंड बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू ओ टू, एंड बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू ओ टू। अब ओ टू का बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना होता है, ओ टू का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ओ टू का बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका टू, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, टू आता है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 आपका आ जाता है कितना, टू। अब आपको देखना है कि किसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल टू है, और साथ में ये भी देखना है, ठीक है, इसको हम इधर कर लेते हैं। बाकी हमको ये भी देखना है कि किसमें बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल का टू है, और साथ में कोई भी पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो XeO3 को देखो, XeO3 को देखो, स्ट्रक्चर बना लेते हैं XeO3 का कैसा होता है देखो, ठीक है। XeO3 का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो कितना आता है, sp3 आता है, कितना आता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, क्या आता है आपका sp3 आता है। अब ध्यान से देखना, पहले बॉन्ड ऑर्डर चेक करो इसका, XeO3 में जो भी बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, टू है। जीनॉन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड कितने, दो बॉन्ड है, यहां भी दो बॉन्ड है और यहां भी दो बॉन्ड है। जीनॉन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है, जीनॉन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, टू है। जीनॉन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, टू। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका, टू। O2 में भी आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, टू, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर वाली तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब देखते हैं पी पाई बॉन्ड वाली, तो XeO3 को देखो, XeO3 के पास एक होगा s ऑर्बिटल, फिर आएगा आपका p ऑर्बिटल, फिर आएगा आपका d ऑर्बिटल, s के बाद p, फिर आएगा आपका d ऑर्बिटल, s p देन d। अब ये कर रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कर रहा है, क्या कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो ये आपका एक s और तीनों p तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, ये किसमें पार्ट लेंगे आपके, हाइब्रिडाइजेशन में, या का पार्ट लेगा किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये चारों ऑर्बिटल एक एस और बाकी तीनों पी, एक एस और बाकी तीनों पी आपके किसमें पार्ट ले रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में। तो पाई बॉन्ड किससे बनेंगे, तीनों के तीनों पाई बॉन्ड किससे बनेंगे, इनसे बनेंगे, पाई बॉन्ड इनसे बनेंगे। और पाई बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, पी पाई डी पाई होगा, कैसा नेचर होगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे, कैसे होंगे, P पाई D पाई बॉन्ड। तो कह रहा है किसमें आपका कोई भी P पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो XeO3 में कोई भी P पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो भी बॉन्ड्स है वो P पाई D पाई बॉन्ड्स है, जो भी बॉन्ड्स है वो कैसे बॉन्ड्स है, P पाई D पाई बॉन्ड्स है। और बॉन्ड ऑर्डर भी आपका 2 के इक्वल है, जीनॉन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका जो है बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है, ठीक है। इसलिए XeO3 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है एलिमेंट ए बी सी डी, ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, डी एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर दिया हुआ सेवन, एटॉमिक नंबर दिया हुआ एट, एटॉमिक नंबर दिया हुआ नाइन और एटॉमिक नंबर दिया हुआ ट्वेल्व। एटॉमिक नंबर सेवन अगर दिया हुआ है इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, नाइट्रोजन की बात कर रहा है, एट यानी ऑक्सीजन की बात कर रहा है, नाइन यानी किसकी बात कर रहा है, फ्लोरीन की, और ट्वेल्व यानी किसकी बात कर रहा है, मैग्नीशियम की। इसमें पूछ रहा है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है, डेफिनेटली यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें सबसे ज्यादा पूछ रहा है किसकी होगी। तो सीधी सी बात है फ्लोरीन आपका कौन सा हैलोजन फैमिली का है ना, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की होती है। बट क्लोरीन तो ऑप्शन में है नहीं, इन सब में चारों में सबसे ज्यादा किसकी होगी, हैलोजन फैमिली की होगी ऑब्वियसली, ग्रुप 17 का है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या होगी, बाकी सबसे ज्यादा होगी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। तो यहां पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी सबसे, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए सिक्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स हैज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन इट्स लैटिस एंथैल्पी विद हायर मैग्नीट्यूड। ओके, अब ध्यान दो, आपके पास है BeSO4 है ना, ले लेते हैं सबको ले लेते हैं MgSO4 है ना, फिर आता है आपका CeSO4, इस तरीके से आगे हम देखते जाएंगे ग्रुप में। तो आपको पता है ना CeSO4, इसके बाद आता है आपका SRSO4, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन सब में जो आपकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आता है, वाटर में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आता है, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी पहले ही बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको बता रखा है सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम केसेस में कैसे निकालते हैं, डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस से निकालते हैं मैक्सिमम केस में सॉल्युबिलिटी, और जिन जिन केसेस में नहीं निकालते वो केसेस आपको बता रखा है। तो इसमें जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आता हुआ था BeSO4 का सबसे ज्यादा, फिर आता है MgSO4 का, फिर आता है CeSO4 का, जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आता है, राइट, BeSO4, MgSO4, फिर आता है आपका CeSO4, राइट, ये ऑर्डर आता है। तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, BeSO4 की है, और सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी होती है, जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, किससे, लैटिस एंथैल्पी से। सॉल्युबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड इन वाटर द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द कंपाउंड शुड बी मोर देन इट्स लैटिस एंथैल्पी, और सॉल्युबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, hence BeSO4 will be the correct answer, right? Question number 7, BeSO4 की hydration enthalpy lattice enthalpy से ज्यादा होगी in higher magnitude, which of the following halide of silver is water soluble, very famous question, आपको बहुत जगह इसको बता रखा है, कि अगर आप AgF को देखेंगे, और अगर नहीं देखा है तो आज देख लें, AgF को देखेंगे, इसको exception में बताया था, तब solubility पढ़ाई थी, तब भी इसको बताया था, ionic equilibrium में भी हम इसको बताते हैं, AgCl, AgBr, AgI, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको देखो AgF, AgCl, AgBr है ना, इसको भी बता रखा है कि AgF की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, AgCl से ज्यादा होती है, AgBr की ज्यादा होती है, AgI से, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये आता है। अब बाकी तीनों तो वाटर सॉल्युबल होते ही नहीं है, है ना, बाकी तीनों तो वाटर सॉल्युबल होते नहीं है, ये आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ये आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, याद रखें, और ये दोनों एलोइस कलर के बनाते हैं, ये लाइट येलो बनाता है, डार्क येलो बनाता है, तो इनके प्रेसिपिटेट येलो कलर के आते हैं, ठीक है, लाइट प्रेसिपिटेट होता है इनका, मतलब लाइट येलो कलर का AgBr का होता है, डार्क येलो कलर का AgI का होता है प्रेसिपिटेट, ये होता है आपका वाटर सॉल्युबल, ये आपका क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, एच बॉन्ड इन सॉलिड HF कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई, इसको भी बता रखा है, आपको HF को रिप्रेजेंट करने का तरीका या जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड में मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं वो तरीका मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन फ्लोराइड को सॉलिड स्टेट में उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से देखें, तो ये आप ध्यान रखिए, इसको आपको याद ही रखना है कि सॉलिड स्टेट में जो ये है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, राइट, तो इसको ध्यान रखें कि इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है, तो ध्यान रखें इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं,
कि हाइड्रोजन बीच में आता है, फ्लोरीन एंड्स पे आता है। देखिए इस तरीके से आप याद रखें, फ्लोरीन एंड्स पे आ रहा है ना, देखिए सॉलिड स्टेट में एचएफ का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, और इसको याद ही रखना है। और आपको बनवा रखा है ऑलरेडी, आपके नोटबुक में देखेंगे तो ये सब चीज करवा रखी है। फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ क्या एच बॉन्ड है, यहाँ एच बॉन्ड है, यहाँ एच बॉन्ड है। तो फ्लोरीन को हमने देखो कहाँ रखा है, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे रखा है। फ्लोरीन को कहाँ कहाँ रखा है, बिल्कुल कॉर्नर पे रखा है। तो एच एफ सॉलिड स्टेट में इस फॉर्म में होता है, और इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आसान है लेकिन फैक्ट बेस ही था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। अब आप पीसीएल 3 को देखो, पीसीएल 5 को देखो, या बीआरएफ 5 को देखो, ये सारे यस हैं, ठीक है, ये सारे यस हैं, जिनमें केवल क्या कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें क्या है सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें क्या है आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं। पीसीएल 3 हो चाहे पीसीएल 5 हो चाहे बीआरएफ 5, पीसीएल 3, पीसीएल 5 और बीआरएफ 5, ये सारे यस हैं। पीसीएल 3 में भी, पीसीएल 5 में और बीआरएफ 5 में, जिसमें आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ही नहीं। और क्वेश्चन में पूछा है किसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, तो इन सभी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, हेंस आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, व्हिच ऑफ द इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस दिस साइज रेशियो इज मिनिमम। यार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको देखो, Li- अपॉन Li प्लस Li, H- अपॉन H, एन ए माइनस अपॉन एन, ये आपका रेडियस रेशियो दिया है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन, इसको पहले ही करवा रखा है आपको, ये आपका क्या रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले टेस्ट में आया हुआ था, है ना, रिपीट हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि क्यूमुलेटिव टेस्ट है ना ये, रिवीजन के लिए ही है। तो ये वाला क्वेश्चन तो एग्जैक्टली पिछले टेस्ट का ही है, इसको पिछले टेस्ट में डिस्कस भी किया था, तो आई होप इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आपका क्लियर होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन तो हमारा पिछले टेस्ट का ही है, 10th क्वेश्चन, तो इस पे तो आपको बोनस ही मिल गया होगा, आपको मजा आ गया होगा, राइट, इसमें तो आपको मजा आ गया होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 4 नंबर फ्री के मिल गए, राइट। तो इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया पिछले टेस्ट में, जिन्होंने अब तक नहीं देखा वो पिछले टेस्ट का जाकर सॉल्यूशन देख सकता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, अब देखें ध्यान से देखें, सीएल माइनस, सीएल माइनस, के प्लस और कैल्शियम 2 प्लस, इन सबको देखें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, क्या है आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, राइट, क्या है आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आपके क्या है सब में सेम इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास भी, पोटेशियम के पास भी आपके 18 इलेक्ट्रॉन है, और कैल्शियम 2 प्लस के पास भी आपके कितने 18 इलेक्ट्रॉन है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की आयनिक रेडियस कंपेयर करना अपने को आता है कि जितना ज्यादा, अपने इसको लॉजिक के साथ प्रूफ भी कर चुके हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू प्रूफ भी कर चुके हैं, राइट। तो अपने को याद भी रहना चाहिए ये चीज कि जितना ज्यादा अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं उसमें नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी रेडियस इतनी ज्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी रेडियस इतनी कम होगी। इसको बाई लॉजिक हमने प्रूव भी किया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल कर देखा भी, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल में इसको हम बिल्कुल लल्लू की तरह सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा रेडियस होगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही कम होगा, तो करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा आयनिक रेडियस का ही, दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर, और आपको जो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर। अब देखिए इसमें एक अरेंजमेंट है, सेकंड वाला एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है और इधर सल्फर है, राइट। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये दिया हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये दिया हुआ, दिया हुआ किसका ऑर्डर, आयनाइजेशन एंथैल्पी का। इसमें दो को पकड़ते हैं, ये कह रहा है कि सल्फर की आयनाइजेशन एंथैल्पी फास्फोरस से ज्यादा होती है, इसके हिसाब से सल्फर की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, फास्फोरस से ज्यादा होती है। और सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो और फास्फोरस की लिखो, आप फास्फोरस को देखो और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो और सल्फर का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दोनों का, तो होता क्या है फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा आपका नियॉन 3s2 3p3 और सल्फर, सॉरी फास्फोरस का आएगा नियॉन, अन्य इसका आएगा नियॉन 3s2 3p4। अब ध्यान से देखें
फास्फोरस में कैसा है? दो सॉरी, फास्फोरस में केस कैसा है? फास्फोरस में ये है आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फास्फोरस में आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और सल्फर में कैसा है? सल्फर में यहां पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3, हाफ फिल्ड है। ये आपका फास्फोरस का केस है, फास्फोरस का पी ऑर्बिटल कैसा है? हाफ फिल्ड है। और सल्फर का पी ऑर्बिटल कैसा है? मतलब ना हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड है। अब फास्फोरस को देखें, फास्फोरस को देखें, ये आपका कैसा है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। फास्फोरस में P3 को देखें, ये आपका क्या है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड है, तो ये क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। हाफ फिल्ड होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट होगा। फास्फोरस में पी ऑर्बिटल क्या है? हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? फास्फोरस की हाई होगी सल्फर से, बट यहां पे आपकी सल्फर की ज्यादा दिया है ना, किससे? फास्फोरस से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। बाकी सारे ऑर्डर आपके क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। किसी में भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर? एल्युमिनियम का मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा दिया हुआ है। फिर से आसान सा क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। अब एल्युमिनियम का कॉन्फिगरेशन देखें कैसा होता है। एल्युमिनियम का कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो आएगा आपका नियॉन का कॉन्फिगरेशन 3s2 3p1। वहीं पे मैग्नीशियम का देखें, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? नियॉन 3s2, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अगर आप एल्युमिनियम को देख रहे हैं तो यहां पी में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना आसान है, कंपैरेटिवली आसान है। लेकिन आप मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम में एस आपका कैसा है? फुल्ली फिल्ड है। आपको इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से निकालना है। एस कैसा है आपका? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? डिफिकल्ट है। तो यहां मैग्नीशियम से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल ले? फुली फिल्ड ऑर्बिटल से निकाल ले। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए वो मैग्नीशियम की ज्यादा होनी चाहिए। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या आ जाएगा? एक्चुअल ऑर्डर आ जाएगा आपका, एक्चुअल ऑर्डर आ जाएगा मैग्नीशियम का किससे ज्यादा होगा? एल्युमिनियम से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी, राइट। हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, क्योंकि ये इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। कौन सा आपका सबसे ज्यादा एसिडिक है? वैसे तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। Cl2O7 है, SO3 है, P2O5 है और SiO2 है, ठीक है। तो ध्यान दो, इनका एसिडिक नेचर वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट और बहुत सारी चीजें से निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत आसान है। अगर आप Cl2O7 का वाटर में देखें, अगर ये वाटर में जाएगा तो कौन सा एसिड बनाएगा? Cl2O7। यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +7। तो एसिड भी +7 वाला बनाएगा। कौन सा बनाएगा? HClO4 बनाएगा। कौन सा एसिड बनाएगा? HClO4। Cl2O7 मतलब कौन सा एसिड बनाएगा? HClO4, राइट। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, यहां भी आपका +7 ही आएगा। सिमिलरली आपका ये क्या, कौन सा एसिड बनाएगा? H2O से रिएक्ट कराएंगे, क्या बनाएगा आपका? H2SO4 बनाएगा। क्या बनाएगा आपका? H2SO4 बनाएगा। HClO4 यहां पर आपका +6 है, ये भी आपका +6 वाला ही बनाएगा, ध्यान दें, ठीक है। सिमिलरली आपका H3PO4 बना देगा, H3PO4 बना देगा, ठीक है। तो इन सब में वैसे तो बताना बहुत आसान था, लेकिन क्लियर है कि Cl2O7 का जो एसिड है, HClO4 आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है इन सब में, फिर आपका H2SO4 का नंबर आता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा क्या है आपका? सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन सा? Cl2O7 सबसे ज्यादा क्या है आपका? एसिडिक नेचर है आपका, मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक। लॉजिक इसके बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे तो आप इसको वाटर में देख लो कि वाटर में इसका एसिड कौन सा है? HClO4 है।
वाटर में इसका एसिड कौन सा है, H2SO4, उससे भी चेक कर सकते हैं। चाहे तो आप ये देख लो कि जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा आपका उसके ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक होंगे, राइट। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो उसके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उनके ऑक्साइड का एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। सीएल का इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो उसका जो आपका ऑक्साइड है वो ज्यादा एसिडिक है, तो मोस्ट एसिडिक इसमें यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इन विच कॉन्सेप्ट और इक्वेशन, किस कॉन्सेप्ट में इक्वेशन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इंक्लूडेड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्लूड की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे देखिए, इन विच कॉन्सेप्ट और इक्वेशन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इंक्लूडेड, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, पीरियोडिक का क्वेश्चन है। आपने पढ़े होंगे ना कोलिन स्केल, हेनरी स्मिथ फॉर्मूला, शूमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन, ठीक है, ये सारे ही आपके किसको इंक्लूड करते हैं, पॉलिंग स्केल तो बहुत ज्यादा फेमस है, हेनरी स्मिथ एंड शूमेकर स्टीवेंसन भी ठीक ठाक है, पढ़ा होगा आपने पीरियोडिक टेबल में ही। तो ये तीनों क्या करते हैं आपके, तीनों के तीनों ही आपके क्या करते हैं, तीनों ही चाहे वो पॉलिंग स्केल हो, पॉलिंग स्केल, ठीक है, अगर आपको इन सबके बारे में जानना है तो आपको अलग से बता देता हूँ, ये सबकी पॉलिंग स्केल का होता है, आप सबको मालूम होगा, फिर भी अगर नहीं मालूम होगा आपको बता दूंगा, हेनरी स्मिथ फॉर्मूला, हेनरी स्मिथ फॉर्मूला, आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शूमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन, ये सारे ही आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इंक्लूड करते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इंक्लूड करते हैं तो ऑप्शन शुड बी ऑल ऑफ दिस, राइट, ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है करंट ऑफ 9.6 एम्पीयर फ्लोइंग फॉर 10 मिनट्स डिपॉजिट्स 3 ग्राम ऑफ मेटल, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए करंट और डिपोजिशन, मैं तो फैराडे के पास जाता हूं, फैराडे का लॉ बता देते हैं, कौन सा वाला, वेट डिपॉजिटेड इक्वल टू जेड आई टी, राइट, विच कैन बी रिटन एज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इंटू फैराडे कॉन्स्टेंट आई टी। आपको पता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, इसको ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चलो इसको ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, तो इसे ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर क्या है आपका, इक्विवेलेंट वेट है, तो इसे किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ई से, राइट। तो वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई अपॉन एफ आई टी, आप इसको ऐसे रहने दो, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर आपको पता है इक्विवेलेंट वेट होता है ना। फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपकी 96,500, वेट डिपॉजिटेड की वैल्यू कितनी है, वेट कितना डिपॉजिट हुआ आपका, 3 ग्राम डिपॉजिट हुआ, करंट की वैल्यू आपकी 9.65 एम्पीयर, और ध्यान रखे कर ना टाइम आपको मिनट में दिया है, टाइम आपको क्या दिया, 10 मिनट दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपको, 10 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, कितना जाएगा 600 सेकंड चलेंगे, कितना जाएगा 600 सेकंड, बस आप यहां से 600 सेकंड कर लें, इसको आप सॉल्व करिए कायदे से, वैसे तो बहुत आसान है, मैं यही सॉल्व कर सकता हूं, 1000 टाइम्स आएगा सर, नहीं 10,000 टाइम 20 से 20 कैंसिल 6/100, आप यहां से लिख सकते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इज इक्वल टू 3 × 100/6 इज इक्वल टू 50, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इज इक्वल टू अगर 50, यानी कि इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इज व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट वेट, दैट इज इक्वल टू आपका 50, राइट, काफी आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देंगे, दिया हुआ है आपको एक इक्वेशन, कॉपर से कॉपर 2+ Ag प्लस से Ag, अगर आप इसका बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे तो आएगा आपका कॉपर प्लस 2Ag प्लस गिव्स कॉपर 2+ प्लस 2Ag, इसका इक्वेशन ये बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 ही कर रहे हैं अभी, ये बन जाएगा इसका इक्वेशन, कॉपर प्लस 2Ag गिव्स कॉपर 2+ प्लस 2Ag, राइट। अब अगर इसका हम लिखें E cell is equal to that is equal to E naught cell minus 0.059 upon N, N की value 2 हो जाएगी यहाँ पे, N की value 2 log copper 2 plus upon Ag plus का whole square ऐसा आ जाएगा, E cell is equal to E naught cell minus 0.059
अपॉन टू लॉग कॉपर टू प्लस अपॉन एजी प्लस का होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। अब मान लिया ये आपका इनिशियल है, ये ई सेल आपका क्या है इनिशियल है, क्या है आपका इनिशियल है। अब क्या किया हमने, हमने ऐसा किया कि हमने कॉपर टू प्लस और एजी प्लस दोनों के कंसेंट्रेशन को क्या कर दिया टेन टाइम्स कर दिया। तो देख लेते हैं टेन टाइम्स करने के बाद क्या आता है, ई सेल आप मान लो फाइनल कर रहे हैं, ई सेल आप फाइनल कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन टू लॉग। अब ये कॉपर टू प्लस के भी कंसेंट्रेशन को टेन टाइम्स किया तो टेन इंटू कॉपर टू प्लस का कंसेंट्रेशन अपॉन आप एजी के भी कंसेंट्रेशन को टेन टाइम्स कर लें तो देखिए आप क्या कर सकते हैं टेन इंटू एजी प्लस के कंसेंट्रेशन को आपने टेन टाइम्स किया तो आई स्क्वायर आ जाएगा, ध्यान दे आई स्क्वायर आ जाएगा। कॉपर का कंसेंट्रेशन आपने केवल टेन टाइम्स किया राइट, कॉपर टू प्लस का कंसेंट्रेशन आपने केवल टेन टाइम्स किया, इसको भी टेन टाइम्स किया लेकिन स्क्वायर है तो ओवरऑल देखो कैसा नजर आएगा। ई सेल इज इक्वल टू फाइनली लिख रहे हैं हम ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन टू लॉग। देखो अब यहां पे 10 है, 10 कॉपर 2 प्लस और यहां पे 100 आ जाएगा, ध्यान दो ये 100 आ जाएगा, यहां पे 2 प्लस स्क्वायर है तो 100 आ जाएगा, यहां पे देखो स्क्वायर है तो 100 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे 100 एजी प्लस का कंसेंट्रेशन जो पहले था, ये कॉपर 2 प्लस और एजी प्लस इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो ध्यान दो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल नेस्ट इक्वेशन लिखा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग कॉपर 2 प्लस अपॉन एजी प्लस का होल स्क्वायर, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन था। हमने फाइनल कंसेंट्रेशन कैसे लिखा, 10 का मल्टीप्लाई करके लिखा, 10 का मल्टीप्लाई करके लिखा तो कॉपर में जो 10 था वो तो 10 रह गया लेकिन जो सिल्वर के साथ 10 था वो तो स्क्वायर में था वो 100 आ गया। तो अब देखिए 10 वन 10 10 टाइम्स जाएगा तो सिमिलरली जो ई सेल फाइनल निकल के आएगा वो क्या आएगा, ई सेल फाइनल निकल के आएगा वो क्या आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 आ जाएगा लॉग कॉपर 2 प्लस यहां पे स्क्वायर है एजी प्लस का स्क्वायर, कॉपर 2 प्लस एजी प्लस का स्क्वायर इंटू 10 आ रहा है, ठीक है इंटू 10 आ रहा है। तो आप यहां देखिए कि 1 बाई 10 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या आ रहा है आपका 1 बाई 10 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 बाई 10 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा ध्यान दीजिए। तो ओवरऑल हुआ क्या, ओवरऑल इसमें क्या हुआ 1 बाई 10 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, लॉग 1 बाई 10 का फैक्टर क्या है एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम इधर करके देखते हैं। देखो पुराना इसेल कैसे लिखा है, पुराना इसेल सिंपली ऐसे लिखा है, देखो पुराना इसेल है हमारे पास इसेल इज इक्वल टू ये हमारा पुराना इनिशियल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन टू लॉग कॉपर टू प्लस अपॉन एजी प्लस का होल स्क्वायर राइट। अब नए वाले में देखो फाइनल में क्या हुआ हमारा इसेल फाइनल जो है हमारा वो क्या है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन टू और यहां पे हमारे पास लॉग 1 बाई 10 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम देखिए लॉग ए इंटू बी को क्या लिख सकते हैं लॉग कॉपर 2 प्लस का कंसेंट्रेशन अपॉन एजी प्लस का कंसेंट्रेशन प्लस लॉग ए इंटू बी क्या होता है लॉग ए इंटू बी आपका क्या हो जाता है लॉग ए इंटू बी लॉग ए इंटू बी किससे इक्वल हो जाता है लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी लॉग ए प्लस बी हो जाता है लॉग ए प्लस बी हो जाता है सॉरी लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है सॉरी लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं देखो यहां पे था हमारे पास यहां पे ध्यान दे कैसा था लॉग ए इंटू बी लॉग ए इंटू बी तो आपने क्या लिखा लॉग ए प्लस लॉग बी हमने ऐसा लिख लिया इसको। वैसे तो इसको मैं आपको 10 सेकंड्स में करवा सकता था इस क्वेश्चन को बता देता डिनोमिनेटर में बड़ा आएगा लेकिन सबके समझने के लिए ठीक है। तो ऐसा हो गया हमारे पास अब देखो इसको क्या लिख सकते हो ई सेल फाइनल इज इक्वल टू क्या आएगा आपका ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 1 बाई 10 की वैल्यू क्या होती है लॉग 1 बाई 10 लॉग 1 बाई 10 की वैल्यू होगी आपकी यहां लॉग 1 बाई 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं लॉग 1 बाई 10 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो लॉग 10 टू द पावर माइनस 1 लॉग 1 बाई 10 इज इक्वल टू क्या लॉग 10 टू द पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू आपका माइनस 1 राइट। तो यहां मल्टीप्लाई हुआ आपका माइनस 0.05 लॉग कॉपर 2 प्लस
अपॉन एजी प्लस का होल स्क्वायर, एजी प्लस का होल स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू माइनस 1 इंटू लॉग 10 आएगा ना, देखो इंटू लॉग 1 बाई 10 आएगा, तो लॉग 1 बाई 10 की वैल्यू हमने क्या लिए, हमने लिया है लॉग 1 बाई 10 की वैल्यू माइनस 1, ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या, देखो ई सेल फाइनल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग कॉपर 2 प्लस अपॉन एजी प्लस का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका प्लस में, प्लस लॉग 1 बाई 10 की वैल्यू क्या लिखी हमने माइनस 1, तो बस माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें क्या आ जाएगा प्लस 0.59 अपॉन 2, तो देखो कुछ नहीं हुआ, हुआ कुछ नहीं। अब इसकी वैल्यू देखो, आप इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू देखो, ये आपका क्या है ई सेल इनिशियली तो है, ये आपका ई सेल इनिशियली तो है, तो ई सेल फाइनल इज इक्वल टू क्या आ गया, ई सेल फाइनल इज इक्वल टू आ गया ई सेल इनिशियल, ई सेल इनिशियल प्लस 0.059 अपॉन 2, यानी कि आपका ई सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ई सेल आपका इंक्रीज करेगा, हेंस इंक्रीजेस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कि आपका ई सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इतने बड़े में किया, पहले मैंने क्या किया सिंपल ई सेल इनिशियल निकाल दिया, हमने माना कि इनिशियल कंसंट्रेशन कॉपर 2 प्लस का ये था और एजी प्लस का ये था, हमने इनिशियल कंसंट्रेशन कॉपर 2 प्लस का ये माना और एजी प्लस का ये, और इस तरीके से इनिशियल कंसंट्रेशन पे हमने ई सेल निकाल लिया, ई सेल इनिशियल पता चल गया हमें, ईएमएफ ऑफ दिस सेल इनिशियल पता चल गया, ई सेल हमने फाइनल निकाला, तो हमने 10 का मल्टीप्लाई करके रखा और ई सेल फाइनल निकाल दिया, और हमने देखा फाइनल जो ई सेल आ रहा है वो इनिशियल ई सेल से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से केवल देख के यहीं से किया जा सकता है ना, आप डिनोमिनेटर देख लेंगे बढ़ेगा, ठीक है, तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है ना, तो इसको मैं 10 सेकंड में बता सकता था कि ये ई सेल बढ़ेगा, और जो अच्छे बच्चे होंगे वो कर भी लिए होंगे, तो ये 10 सेकंड का भी क्वेश्चन है, इनफैक्ट अगर क्लासरूम में आप होते तो इसको मैं 10 सेकंड वाले तरीके से बताने की कोशिश करते, क्योंकि वहां आपका चेहरा दिखता, तो ऑनलाइन इंटरेक्शन में हम इस पर बात जरूर करेंगे, आप याद दिलाना मुझे, ठीक है, हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लंबा तरीका, शॉर्टकट मेथड पे हम ऑनलाइन मतलब इंटरेक्शन में बात करेंगे, तो हम इंटरेक्शन कर रहे होंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सबके लिए आपको ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात तो ये नहीं होगी। तो मान लो आपके पास दिया हुआ है ई नॉट जिंग 2 प्लस की वैल्यू, ये क्वेश्चन है बहुत आसान, मैं फिर भी बता देता हूं आपको थोड़ा बहुत, माइनस 0.76 वोल्ट दी हुई है, इसका उल्टा कर लें, ई नॉट जिंग से जिंग 2 प्लस के लिए देख लें, तो क्या आ जाएगा आपका प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है, और फेरस का क्या दिया हुआ है ई नॉट एफ ई टू प्लस, आपका अगर एफ ई में कन्वर्ट होगा तो आ जाएगा आपका माइनस 0.44 वोल्ट, ठीक है, तो बस एक ही इस इक्वेशन को कर लीजिए, जिंक अगर आपका एफ ई टू प्लस से रिएक्ट करे और किसमें कन्वर्ट हो जाए आपका जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो ध्यान दीजिए अगर आप इस इक्वेशन से देखिए, इस इक्वेशन से देखिए, जिंक अगर आपका जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, ई नॉट जिंक से जिंक 2 प्लस, ई नॉट जिंक से जिंक 2 प्लस कितना आ रहा है आपका, यह आ रहा आपका निकल के प्लस 0.76 वोल्ट, कितना आ रहा है प्लस 0.76 वोल्ट, और वहीं पे अगर आपका फेरस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और आयरन बनाए तो ई नॉट आपका क्या आएगा Fe2, सॉरी जिंक से जिंक 2 प्लस, Fe2 प्लस से Fe, ये कितना आ जाएगा माइनस 0.44 वोल्ट, बस अगर आप इनको ऐड करोगे, ठीक है, अगर आप इनको ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका जिंक Fe2 प्लस, उसका साथ आएगा जिंक 2 प्लस और यहां आ जाएगा Fe, ठीक है। अब चूंकि आपका E नॉट इसके लिए क्या है ज्यादा है, इसके लिए E नॉट आपका क्या है ज्यादा है 0.76 है, और इसके लिए E नॉट क्या है आपका माइनस 0.4 हो रहे, तो जिंक से जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी है वो आपकी क्या है प्लस 0.76 है, और फेरस 2 प्लस से फेरस में आने की जो टेंडेंसी वो आपका माइनस 0.44 है, राइट।
तो दोनों में ज्यादा कौन है? अगर आप दोनों को ऐड भी करोगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर जाएगा, ज्यादा आपका कौन सा है 0.76 है, यानी कि ओवरऑल इक्वेशन होगी आपका जिंक क्या करेगा, जिंक फेरस को क्या करेगा Fe2+ से Fe में ले आएगा, फेरस को क्या करेगा रिड्यूस करेगा, तो जिंक खुद ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ये है ना, जिंक खुद ऑक्सीडाइज होगा। जिंक कहां से कहां आएगा, जिंक जो है जिंक से कहां आएगा, जिंक आपका 2+ में आएगा, जिंक से जिंक 2+ में आएगा, तो आपका प्लस 0.76 होगा। और आयरन आपका Fe2+ दो इलेक्ट्रॉन देकर के निकलेगा तो आपका कहां आएगा, आयरन में आएगा, तो इसका आपका जाएगा -0.44 और ऑब्वियसली 0.76 वाली वैल्यू बढ़ा है तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो ओवरऑल क्या होगा आपका ये पॉसिबल होगा। तो जिंक क्या करेगा आपका फेरस को रिड्यूस करेगा, इसमें काफी आसान है इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप देख के भी इसको ऑब्जर्व करके सिंपली कर सकते थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपने कायदे से पढ़ी है तो यू कैन डू इट सिंपली बाय ऑब्जर्विंग इट, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 इज अगेन ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आपको जो है दिया हुआ है एक इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, ध्यान दें, आपको बता रहा है ई नॉट बताना है, ई सेल बताना है, और आपको बता ई सेल जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते हैं तो ई सेल कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, वैसे तो एक लंबा तरीका भी है लेकिन इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर दोनों के दोनों आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए सिंपल सा आपका एक फॉर्मूला था, E cell = 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, ऐसा आपने पढ़ा होगा, राइट। अब देखिए ई सेल यहां से देखिए बिल्कुल दो कौड़ी का क्वेश्चन हो गया, अब एनोड का देखिए, एनोड पे H+ का कंसंट्रेशन क्या है, pH ऑफ एनोड देखेंगे आप, H+ का कंसंट्रेशन एनोड पे कितना है, एनोड पे H+ का कंसंट्रेशन आपका 10⁻⁶ है, तो pH ऑफ एनोड कितना हो जाएगा, pH ऑफ एनोड आएगा 6, क्योंकि H+ का कंसंट्रेशन वहां कितना है 10⁻⁶, तो pH ऑफ एनोड आएगा 6। वहीं पे कैथोड पे H+ का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁴, तो pH ऑफ कैथोड कितना जाएगा 4। याद रखें अगर दोनों आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके लिए तो आपका ई सेल फाइनली निकल के कितना आएगा, इतना आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको अलग अलग ईएमएफ दिया हुआ है, किसके लिए, जिंक से आपका जिंक 2+ के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ध्यान दें, और कॉपर 2+ से कॉपर के लिए, अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, जिंक प्लस कॉपर 2 गिव्स जिंक 2+ प्लस कॉपर, अगर इसके लिए आप ई सेल लिखो तो आएगा ई नॉट से माइनस 0.059 अपॉन एन, एन की वैल्यू यहां 2 है, लॉग जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+। अब जिंक 2+ और कॉपर 2+ की वैल्यू को मान लेते हैं ए, हम क्या मान लेते हैं ए, ठीक है, हम जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+ के कंसंट्रेशन को मान लेते हैं ए, ए इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा, जिंक 2+ का कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हम ले लेते हैं, ठीक है, आप यहां पे सब हटा के ए कर दो, आप खुद देखो अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप ए की वैल्यू बढ़ाओगे, ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो लॉग ए की वैल्यू बढ़ेगी, ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो लॉग ए की वैल्यू बढ़ेगी, सीधी सी बात है, ए की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो लॉग ए की वैल्यू बढ़ेगी, ए की वैल्यू बढ़ाओगे लॉग ए की वैल्यू बढ़ेगी, अगर लॉग ए की वैल्यू बढ़ेगी तो ये टोटल वैल्यू बढ़ेगी, सीधी सी बात है, सोच के देखो अगर ए की वैल्यू बढ़ाओगे, ध्यान सोचो अगर हम ए की वैल्यू बढ़ाएंगे, ए की वैल्यू बढ़ाएंगे तो लॉग ए बढ़ेगा, लॉग ए बढ़ेगा तो ये पूरा बढ़ेगा, और अगर ये पूरा बढ़ेगा, अगर ए बढ़ाने से ये पूरा बढ़ रहा है, ए बढ़ाने से ये पूरा बढ़ेगा तो ध्यान दो माइनस में, अगर ये बढ़ेगा तो ई नॉट सेल में हम इतना पोर्शन घटा रहे हैं तो ए सेल क्या होगा, घटेगा, सोच के देखो, ठीक है, तो कर क्या रहे हैं, अगर हमने ए की वैल्यू को बढ़ाया, अगर हमने ए की वैल्यू को बढ़ाया तो लॉग ए क्या करेगा, पूरा बढ़ेगा, ए की वैल्यू से लॉग ए पूरा बढ़ेगा, लॉग ए बढ़ेगा तो ये पूरा बढ़ेगा, लॉग ए बढ़ेगा तो ये पूरा बढ़ेगा, अगर ये पूरा बढ़ेगा, ठीक है, ए बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो लॉग ए बढ़ेगा, लॉग ए बढ़ेगा तो ये पूरा बढ़ेगा, और अगर ये पूरा बढ़ रहा है और ये माइनस में,
बढ़ेगा तो क्या होगा, ई नॉट सेल से ही घटाएंगे इसको। अगर ये टर्म बड़ा होता जाएगा तो ई सेल की वैल्यू घटती जाएगी ना। सोच के देखो, अगर मान लो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू 5 ले लेते हैं, 5 माइनस दिस टर्म, 5 माइनस 2 किया तो 3 आया, 5 माइनस 3 कर रहे हैं तो ये 2 आ रहा है, या 5 माइनस 4 कर रहे हैं तो ये 1 आ रहा है। सोचो तो ये वाला टर्म जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ई सेल की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो आसान है, सिंपल, ए बढ़ेगा। अगर आपका ए बढ़ रहा है, सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखें, अगर आपका ए बढ़ रहा है तो लॉग ए बढ़ेगा, लॉग ए बढ़ेगा तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा। अगर ये पूरा टर्म बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है ई सेल क्या होगा, घटेगा। यानी कि ए बढ़ने पे क्या हो रहा है, ई सेल आपका डिक्रीज हो रहा है। तो यानी बस ए से ए निकाल लेते हैं, सबके लिए ए निकाल लेते हैं कंसेंट्रेशन की वैल्यू। तो इवन के लिए क्या है, ध्यान दें, इवन के लिए क्या है, पहला आपका ए देखें क्या है, ए में आपका जिंक 2 प्लस का कंसेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 प्लस का कंसेंट्रेशन कितना आ रहा है, 1 मोलर है, 1/1, ठीक है। बी में देखें, जिंक 2 प्लस का कंसेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 प्लस का कंसेंट्रेशन कितना आ रहा है, जिंक 2 प्लस का 0.1 अपॉन कॉपर 2 प्लस का 1, दैट कम्स आउट टू बी 1/10। सी में देखें, जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस ये कितना आ रहा है आपका, जिंक का आपका 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस का 1 आ जाएगा आपका 10। और डी में देखें, जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर प्लस 2 प्लस ये कितना आ रहा है आपका, 0.1 अपॉन 0.1 व्हिच कम्स आउट टू बी 1। अब सीधी सी बात है, ये आपकी ए की वैल्यूज है, ये सारी आपकी किसकी वैल्यूज है, ए की वैल्यूज है, ये सारी ए की वैल्यूज है, ए की वैल्यूज है ना। अब ध्यान दें, आपको पता है कि अगर ए बढ़ेगा तो ई नॉट सेल घटेगा, ठीक है। ए ज्यादा होगा तो ई नॉट सेल ज्यादा होगा, सॉरी इसको वेट, हाँ, ए बढ़ेगा तो ई नॉट सेल ज्यादा होगा, और ए कम होगा तो ई नॉट सेल ज्यादा होगा, ई सेल ज्यादा होगा, सॉरी ए अगर आपका कम होगा तो ई सेल ज्यादा होगा। तो ए देखे सबसे कम कहां है, देखो ए अगर आपका बढ़ रहा है, ई सेल आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, और ए अगर आपका डिक्रीज हो रहा है, ई सेल आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ए जो है, अगर ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू देखें सबसे ज्यादा कहां है, इसके लिए आपका इवन बोला है, इसके लिए आपका ई टू बोला है, इसके लिए आपका ई थ्री बोला है, और इसके लिए ई फोर बोला है। ए की वैल्यू जहां सबसे कम होगी, ई सेल सबसे ज्यादा होगी। ए की वैल्यू सबसे ज्यादा कम कहां, यहां पर है, तो यहां पर आपका ई टू की वैल्यू सबसे ज्यादा जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू सबसे कम है, ए की वैल्यू सबसे कम तो ई टू की वैल्यू सबसे ज्यादा। फिर आप देखेंगे ए की वैल्यू ईवन और ई थ्री के केस में इक्वल है, ईवन और ई फोर के केस में, सॉरी ईवन और ई फोर के केस में इक्वल है। तो ईवन और ई फोर क्या जाएंगे, ए इक्वल है तो ईवन और ई फोर भी इक्वल आ जाएंगे। और ए की वैल्यू जो है ई थ्री के केस में सबसे ज्यादा है, 10 है, ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो ई सेल की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, तो ये ई थ्री आ जाएगा। ई टू इज ग्रेटर देन ईवन इज इक्वल टू ई फोर इज ग्रेटर देन ई थ्री। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एक इक्वेशन दिया आपको ए प्लस बी टू प्लस गिव्स बी प्लस ए टू प्लस, ई नॉट की वैल्यू दी हुई है आपको 0.2955 वोल्ट, राइट। आपसे केसी पूछ रहा है, टेम्परेचर दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस व्हिच कम्स आउट टू बी 298 केल्विन, आपसे पूछ रहा है केसी। अगर केसी पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है ना, तो यहां से हमारे पास सीधा एक चीज निकल के आती है, क्या निकल के आती है कि अपने को मालूम है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट, ये होता है। ऑल्सो जब डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट है ना, ऑल्सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वो होता है आपका माइनस 2.303 RT log केसी, ऐसा होता log केसी, इसके इक्वल हो जाता है बस। वो आप देख लो, डेल्टा डी इक्वल टू दिस, डेल्टा डी नॉट इक्वल टू दिस,
और सो इक्वल टू दिस, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। अब आपका एन की वैल्यू है 2, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है, एन की वैल्यू 2, प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू 96,500, ए नॉट की वैल्यू 0.2955, 2.303, आर की वैल्यू 8.314, सब कुछ एसआई यूनिट में, तो इसको भी एसआई यूनिट में पुट करना है। टेम्परेचर की वैल्यू आपकी 298 केल्विन, लॉग के सी, आप यहां से इसको सॉल्व कर लोगे कायदे से, अगर आप इसको कायदे से सॉल्व कर लोगे तो लॉग के सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आप इसको सॉल्व कर लो, है ना, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है, आप इसको कायदे से सॉल्व करो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन वगैरह आई नो, बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन वगैरह है, लेकिन आप इसको क्लियरली करोगे, प्रॉपर करोगे, तो लॉग के सी इक्वल टू, मुझे भी पता नहीं, मैंने भी इसको करके देखा नहीं, लेकिन 10 आ जाना चाहिए, अगर लॉग के सी इक्वल टू 10 आ जाएगा तो के सी इक्वल टू 10 to the power 10 आ जाएगा, कितना जाएगा, के सी इक्वल टू 10 to the power 10, ठीक है, इसको आप करके देख लो, केवल लॉग के सी की वैल्यू निकालनी बची है, अच्छे से करोगे तो आ जाएगा, कैलकुलेशन पोर्सन था, काफी कैलकुलेटिव था, तो इसको आप देख लेना, कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, तो आई होप आप में से किसी किसी को दिक्कत भी आई होगी, थोड़ा टाइम टेकिंग तो ये होगा ही, लेकिन चलो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, तो उसमें नंबर क्यों कटवाना, राइट। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आपको दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ, रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, रेसिस्टेंस की वैल्यू दी है 200 ओम, ठीक है, सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी हुई है, सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी हुई है वो कितना दूंगा 2 cm inverse, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा है, एन की वैल्यू दी, नॉर्मलिटी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है 0.m, ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कि लैम्डा इक्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो इसके लिए पहले के की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आपको पता आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है 1 by k L by a, ठीक है, यहां से आप क्या निकाल लो, के इज इक्वल टू कितना जाएगा 1 by r L by a, ठीक है, k इज इक्वल टू आप यहां से निकालो प्रॉपरली, k इज इक्वल टू क्या जाएगा, k इज इक्वल टू 1 by r, रेसिस्टेंस की क्या वैल्यू दी है 200, और सेल कॉन्स्टेंट की क्या वैल्यू दी हुई है 2, सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी है 2, राइट, सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू 2 दी हुई है, यहां से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 100, 1 by 100, सॉरी k की वैल्यू आ जाएगी 1 by 100, तो बस इसके बाद आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, तो लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ रहा है ये, हाँ, तो क्या होगा आपका 1000 into k upon normality, बस 1000 into 1 by 100 upon 0.1, दैट कम्स आउट टू बी 100, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपकी कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, हेंस ऑप्शन नंबर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट, आसान क्वेश्चन था ये भी काफी, तो आई होप आपसे हो गया होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, An azeotropic mixture of two liquid has boiling point higher than boiling point of both liquid when it, कह रहा है कि azeotropic solution है, दोनों liquid, दो mixture का boiling point है, जो mixture का boiling point है वो higher है किसका, दोनों liquid के boiling point से, ठीक है, azeotropic mixture है, mixture का जो boiling point है ना वो क्या है, दोनों liquids के boiling point से higher है, azeotropic solution of two liquids has boiling point higher than boiling point of both the liquid, जो mixture का boiling point है वो दोनों लिक्विड्स के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, मतलब है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात कर रहा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अगर ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, इट मींस ये क्या करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, राउल्ट्स लॉ से बता रखा है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 देखें,
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे, इन विच केस वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज मैक्सिमम। वॉन्ट ऑफ फैक्टर किस केस में मैक्सिमम है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। देखिए आई इज इक्वल टू क्या होता, आई इज इक्वल टू होता 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। आई इज इक्वल टू क्या होता 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। तो अगर आप सबके लिए कैलकुलेट करोगे तो सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा, FeCl3 के लिए आएगा। FeCl3 when 30% ionized सबसे ज्यादा जाएगा। करके देख लेते हैं, आई इज इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस एन की वैल्यू कितना रखेंगे, FeCl3 के लिए एन की वैल्यू रखेंगे 4, क्योंकि यहां से आपके 4 आयंस निकलेंगे। तो एन की वैल्यू FeCl3 के लिए कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो FeCl3, वैसे तो मैंने जो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने इसके लिए सिंपल ट्रिक भी बताई है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, FeCl3 के लिए आपका 4, तो I is equal to 1 plus N, N की वैल्यू 4, minus 1, अल्फा की वैल्यू 30%, 30% मतलब 0.3, I की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1 plus 3 into 0.3, I की वैल्यू आ जाएगी 1.9, it is a very easy question, आपको आना चाहिए, आपको करना आना चाहिए, I की वैल्यू इसके लिए सबसे ज्यादा आ रही है 1.9, और मैक्सिमम इसी के लिए होगी, आप बाकी सबके लिए करेंगे तो उसके लिए क्या आएगा, कम आ जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है which of the following pairs can we expect to be isotonic at the same temperature? Temperature same है, isotonic solution होना चाहिए। isotonic होने के लिए क्या जरूरी है, isotonic का मतलब क्या होता है, pi1 is equal to pi2, ये किसकी सिम्टम होती है, isotonic solution का। किसका होता है, isotonic solution का। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी रिपीटेड ही है, isotonic solution, ये क्वेश्चन में मुझे रिपीटेड ही लग रहा है। pi1 is equal to pi2, आपको पता pi1 यानी osmotic pressure of 1 क्या हो जाता है, i1 C1 RT1 is equal to I2 C2 RT2 होना चाहिए। अब एट सेम टेम्परेचर दिया हुआ, टेम्परेचर सेम दिया हुआ, यानी कि T1 is equal to T2 दिया हुआ, गिवन है, तो T1 is equal to T2 को T मान लिया क्योंकि दोनों टेम्परेचर सेम है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये I1 C1 RT is equal to I2 C2 RT, RT से RT कैंसिल, यानी कि I1 C1 is equal to I2 C2 होना चाहिए। तो बस इस हिसाब से देखो, आप अगर 0.1 मोलर CaNO3 ले लो, CaNO3 ले लो होल ट्वाइस, 0.1 मोलर Na2SO4 ले लो, Na2SO4 ले लो, तो C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है आपकी 0.1 मोलर, और C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू है आपकी 0.1 मोलर। C1 और C2 की वैल्यू सेम होगी। अब I1 की देख लो, यहां वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू CaNO3 के लिए आएगी 3, CaNO3 वोल्ट ट्वाइस के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आएगी 3, और इसके लिए भी वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू I2 भी क्या जाएगी 3 आ जाएगी। तो ध्यान दें, बस देखिए यहां पे I1 C1 is equal to I2 C2 हो रहा है, यानी I1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 0.1, I1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 0.1, यानी कि इस केस में आपका ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। काफी आसान है, आप करके देख लीजिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोल एक्वस सॉल्यूशन, मोलैरिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.01 ऑफ यूरिया सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन द रेशियो। अब देख लेते हैं रेशियो क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इन केस ऑफ यूरिया देख रहे हैं, वो क्या जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम, राइट, आई की वैल्यू यूरिया के लिए 1, के एफ इंटू 0.01 आ जाएगा। डेल्टा टी एफ यूरिया देख रहे हैं, यूरिया नहीं डेल्टा टी एफ एनएसीएल देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड देख रहे हैं, वो आएगा आपका आई इंटू के एफ इंटू एम, दैट कम्स आउट टू आई एनएसीएल के लिए आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू के एफ इंटू 0.01। डेल्टा टी एफ किसके लिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4, I into KF into M आएगा यहां भी, I की वैल्यू Na2SO4 के लिए I की वैल्यू क्या 3 into KF into 0.01। तो बस आप क्लियरली ऑब्जर्व करो, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा 1 into KF into 0.01, यहां आ रहा 2 into 1 KF into 0.01, और यहां आ रहा 3 into KF into 0.01। इस हिसाब से जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:2:3 रेशियो कितना आ रहा, सिंपल ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रेशियो आएगा कितना आएगा 1:2:3। वैसे तो ये क्वेश्चन
10 सेकंड में कर सकते थे देख के, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बताना जरूरी है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव अपर प्रेशर 0.6 बार एंड 0.2 बार रेस्पेक्टिवली, तो पी नॉट ए की वैल्यू दी हुई है आपको 0.6 बार और पी नॉट बी की वैल्यू दी हुई है आपको 0.2 बार, ठीक है। इनको हमने मिलाया, इनको हमने आपस में मिलाया, ठीक है। तो कह रहा है कि इनको किस रेशियो में मिलाया कि जो है इनका जो वेपर प्रेशर है आपस में इक्वल आ जाए, इनका वेपर प्रेशर आ जाए इक्वल। तो अब देखो इनको मिलाने के बाद राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर आएगा पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट एक्स, और पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। ये कह रहा है कि ये दोनों प्रेशर क्या मिलाने के बाद इक्वल हो जा रहे हैं, इस उस स्मॉल फ्रैक्शन में मिलाना है कि ये दोनों प्रेशर आपके क्या हो जाए इक्वल हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी का क्या मतलब हुआ, पी ए इज इक्वल टू पी बी का मतलब हुआ पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। आपको पता, आपको पता एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो आप एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स ए, एक्स बी को आप क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स ए, एक्स बी को आप यहां से क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स ए लिख सकते हैं, बस। तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको कुछ नहीं करना, यहां से आप लिख सकते हैं पी नॉट ए, एक्स ए को एक्स ए रहने दें और एक्स बी को आप क्या कर सकते हैं, वन माइनस एक्स ए। पी नॉट ए की वैल्यू आपको पता है 0.6, एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट बी की वैल्यू पता है 0.2, वन माइनस एक्स ए। यहां से आपकी एक्स ए की वैल्यू निकल आएगी और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए पूछ रहा है, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए कितना जाएगा 0.25, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी कितना जाएगा 0.75। आप करके देख लेना, आपसे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि an ideal solution has two components A and B. If A is more volatile than B, also P not A is greater than P total, then the correct relation between mole fraction A in liquid X or vapor Y phase is. तो देखो, मान लो liquid phase में mole fraction X है और vapor phase में mole fraction क्या है आपका Y है, या आपका vapor phase में, vapor phase में, vapor phase, और ये मान लो आपका किसमें है लिक्विड फेज में, किसमें है लिक्विड फेज में, ये आपका वेपर फेज और ये आपका क्या है लिक्विड फेज में। वेपर फेज और लिक्विड फेज में सीधी सी बात है, मैंने आपको बता रखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉन्सेप्ट में भी, अगर आपने लेक्चर कायदे से देखा हो कि जिस जो लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल होता है ए और बी में से कोई ज्यादा वोलेटाइल होगा, इस केस में ए ज्यादा वोलेटाइल दिया है, ए आपका क्या कह रहा है मोर वोलेटाइल है, क्या आपका मोर वोलेटाइल है। अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है, ए आपका मोर वोलेटाइल है, मतलब ए के वेपर्स क्या बनेंगे ज्यादा बनेंगे, ए आपका ज्यादा वोलेटाइल है मतलब ए के वेपर्स क्या होंगे ज्यादा बनेंगे, ए आपका ज्यादा वोलेटाइल है तो ए के वेपर ज्यादा होंगे, तो वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा ज्यादा होगा। ए आपका मोर वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल है तो ए के वेपर क्या होंगे कंपैरेटिवली ज्यादा बनेंगे, ए इज मोर वोलेटाइल तो ए के वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ए का लिक्विड फेज से क्या आएगा हमेशा ज्यादा आएगा, और ये चीज ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है अच्छे से, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। चलिए ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद क्या चेंज नहीं होगा। अब एक बात बताओ, ठीक है, डाइल्यूशन के बाद क्या चेंज नहीं होगा, और मान लो कि आपके पास कोई सॉल्यूशन था, आपके पास कोई सॉल्यूशन था उसमें 1 मोल सॉल्यूट था, क्या था आपका 1 मोल सॉल्यूट था, क्या था आपका 1 मोल सॉल्यूट था,
1 मोल सॉल्यूट था, मान लो उसका वेट 50 ग्राम था, मान लो उसका वेट 50 ग्राम था, ठीक है, 1 मोल सॉल्यूट था, एक सॉल्यूशन था जिसमें 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसका मान लो वेट, सपोज वेट था आपका 50 ग्राम है, इसका डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन का मतलब क्या, वो वाटर ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं आप, वाटर ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूशन अगर इसका करेंगे ठीक है तो वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, बट आप इससे निकाल थोड़ी ना कुछ ले, देखो इसका कंसेंट्रेशन चेंज होगा, अगर आप इसका डाइल्यूशन कर रहे हो, सोच के देखो 1 मोल था और 1 लीटर था, 1 मोल था और 1 लीटर भी ले लेते हैं, सपोज 1 लीटर से हम डाइल्यूट करके इसको 2 लीटर कर ले, 1 मोल हमारा सॉल्यूट है इसको 1 मोल बने रहने दे रहे हैं, 1 मोल हमारा सॉल्यूट है इसको 1 मोल बने रहने दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं पानी डाल के इसको बस डाइल्यूट कर रहे हैं, अगर हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, अगर हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, इट मीन्स वॉट, इट मीन्स हम इसका कंसेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसका जितना सॉल्यूट इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, जितना सॉल्यूट इसमें है सॉल्यूट की मात्रा थोड़ी ना बदल जाएगी, तो चाहे आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलो, चाहे आप वेट ऑफ सॉल्यूट बोलो, चाहे आप ग्राम इक्विवेलेंट बोलो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोलो, उसमें से कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ये सब आपके क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, मोल्स, मास, ग्राम इक्विवेलेंट, ये सारे ही आपके क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, यानी कोई भी आपका चेंज नहीं होगा, इट मींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ अबव, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, आप चाहे तो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आपसे कि ये 2 मोलर सॉल्यूशन है, 2 मोलर का मतलब क्या हुआ, 2 मोलर 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोल सॉल्यूट इन 1 केजी वाटर, वाटर ही बोल रहा है, एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है, मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया, 2 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 केजी ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 केजी ऑफ वाटर, सॉल्यूट के मोल्स कितने, सॉल्यूट के मोल्स आपके हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ रहे हैं आपको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू, वो आपको ऑलरेडी पता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, वाटर निकाल लेते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, वेट कितना 1 केजी यानी 1000 ग्राम, मोलर वेट यानी 18 याद आएगा आपका 55.55 मोल्स, आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके को जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट कम्स आउट टू बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर कितना आ जाएगा, सॉल्वेंट का मोल्स कितने 55.5 अपॉन सॉल्यूट का 2 प्लस 55.55 इतना जाएगा, 18 बचे नंबर 18 बचे, हाँ इतना आ जाएगा लगभग, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो पता नहीं, इतना ही आ जाएगा, और इसको आप देखोगे तो 0.965 आएगा, 0.965 आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, और इसके क्लोज भी कोई, इसके आसपास भी कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये बहुत ही ऑब्वियस आंसर था, बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन था मेरे हिसाब से तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, किस आयन के पास आपका हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट है, किसके पास आपका क्या है हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट है, तो अगर आप मैग्नीज 2 प्लस को देखें, मैग्नीज 2 प्लस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, मैग्नीज 2 प्लस का लास्ट में आएगा आपका D5, कैसा आएगा आपका मैग्नीज 2 प्लस का D5 कॉन्फिगरेशन आएगी, मैग्नीज 2 प्लस का कैसा आएगा D5, और अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो कितना आएगा 5 आएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इतने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा कहीं नहीं है, ठीक है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है 31 के केस में कितना है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट इज द मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है सबसे ज्यादा, हेंस ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स, यानी एग्जामिनर ने आपकी भावनाओं के साथ खेला है, अगर आपसे क्वेश्चन गलत हुआ है तो कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, जो गलत नहीं है यानी कि सही है, कौन सा सही है यानी कि मैं समझ रहा हूं, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत नहीं है, नॉट फॉल्स मतलब सही है, यानी पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि सही वाला बताना मेरे को, कह रहा है इन पोटेशियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल विद एल इज इक्वल टू 1 इज 12,
L इज इक्वल टू वन का मतलब क्या हुआ, P ऑर्बिटल। L इज इक्वल टू वन का क्या मतलब हुआ, P सबसेल। क्या हुआ आपका, P सबसेल। P सबसेल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, L इज इक्वल टू वन का मतलब किसकी बात कर रहा है, P सबसेल की बात कर रहा है। तो पोटेशियम के लिए देखो, पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देखो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 याद रहेगा आपका। तो अगर आप P सबसेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे पोटेशियम के तो कितना रहा, P सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि नॉट फॉल्स है। नॉट फॉल्स है मतलब ट्रू है, नॉट फॉल्स मतलब जो सही गलत ना हो, यानी कि सही हो, राइट। ऐसे क्यों देते हैं लोग पता नहीं, लेकिन दे देते हैं, ठीक है ना। चलो सेकंड कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है, एल इज इक्वल टू अगर जीरो है तो उसके पास स्फेरिकल ऑर्बिटल होते हैं, स्फेरिकल। अब एल इज इक्वल टू जीरो है इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, एस सबसेल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एस सबसेल की। और एस सबसेल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, डेफिनेटली स्फेरिकल का सेप होता है, यानी कि ए भी सही है आपका, ए स्टेटमेंट भी सही है, बी स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि स्फेरिकल होता है तो स्फेरिकल ऑर्बिटल होंगे इसमें, राइट। सी देखें, सी क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एन इज इक्वल टू फाइव, एन इज इक्वल टू फाइव एंड एन इज इक्वल टू टू, n इज इक्वल टू फाइव, l इज इक्वल टू टू मतलब d ऑर्बिटल की बात कर रहा है, मतलब ये 5d ऑर्बिटल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 5d ऑर्बिटल की। कह रहा है द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स विद n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 2 इज 10। अब d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हो सकते हैं, 10, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी ये भी सही है। तो आपसे पूछा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स, यानी कि कौन सा आपका गलत नहीं है, यानी कि सही है, और ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ए बी सी आपके क्या है, तीनों सही है, ठीक है। तो आपके क्या है, ए बी सी, ए बी एंड सी तीनों आपके क्या है, नॉट फॉल्स है, यानी कि करेक्ट है, ए बी एंड सी। तो क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज के साथ खेला, याद रखो आपसे पूछा है, आपसे पूछा, ध्यान दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स, कि गलत नहीं है यानी कि सही है, और ये तीनों सही है, यानी कि ए बी सी आपके क्या है, तीनों करेक्ट है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग ना आपको बताना है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी बताना है, एन इज इक्वल टू 4, पहला मैं आपको बोला एन इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 1, दूसरा बोल रहा है आपसे एन इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 0, तीसरा बोल रहा है आपसे एन इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 2, चौथा बोल रहा है आपसे एन इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 1। तो आपको सिंपल n प्लस एल रूल लगाना है, n प्लस एल रूल लगाना है, n प्लस एल की वैल्यू देखेंगे, इसके लिए आ रही है 5, इसके लिए आ रही है 4, इसके लिए आ रही है 5 और इसके लिए आ रही है 4, ठीक है। तो आपको तो n प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, n प्लस एल की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, लेकिन n प्लस एल की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, n प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो फर्स्ट और थर्ड के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है। तो अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है तो n की वैल्यू से चेक करते हैं कि अगर n की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो फर्स्ट और थर्ड के लिए n प्लस एल की वैल्यू आई 5, फर्स्ट और थर्ड के लिए n प्लस एल की वैल्यू आई 5, तो n की वैल्यू देखेंगे 4, उस हिसाब से फर्स्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी थर्ड से। सिमिलरली सेकंड एंड फोर्थ में देखिए, सेकंड एंड फोर्थ के लिए n प्लस एल की वैल्यू आ रही 4, n प्लस एल की वैल्यू आ रही 4, उसके बाद हम किसकी एनर्जी कंपेयर करेंगे, n की वैल्यू, n की वैल्यू इसके लिए 4 है, तो सेकंड की एनर्जी क्या होगी आपकी, सेकंड की एनर्जी 4 से ज्यादा हो जाएगी। इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 की ज्यादा होगी 3 से, 3 की ज्यादा होगी 2 से, और 2 की ज्यादा होगी 4 से, करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, राइट। चलिए ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज एक्स एंड स्ट्रॉन्ग।
अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, लैम्डा मिन ऑफ लाइमन सीरीज आपको बोल रहा है कितना है, है ना? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है एक्स एंगस्ट्रॉम कितना बोल रहा है आपसे, एक्स एंगस्ट्रॉम बोल रहा है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है? लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? लाइमन सीरीज की, लाइमन सीरीज की। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हो जाती है 1। एनटी की वैल्यू पे हमें सवाल है कि n2 की वैल्यू क्या करें। अब सीधी सी बात है, लाइमन सीरीज जो है ना, लाइमन सीरीज जो है वो आपका कैसा, n1 की वैल्यू 1। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगा? जब एनर्जी मैक्सिमम होगी। एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए n2 को क्या करना पड़ेगा? इनफाइनाइट करना पड़ेगा, है ना? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर हमें लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो हमें एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी गैप मैक्सिमम चाहिए। एनर्जी गैप मैक्सिमम करने के लिए n1 की वैल्यू करवाना है तो n2 की वैल्यू इनफाइनाइट है। यहां से आपका क्या होगा, आपकी मैक्सिमम एनर्जी आएगी, मैक्सिमम एनर्जी आएगी तो मिनिमम आपका क्या आएगा, लंडा आएगा। देख लेते हैं लंडा मिन क्या आता है, 1/λmin इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, RZ² 1/n1² यानी कि 1² 1/n2² यानी इनफाइनाइट स्क्वायर। यहां से आपका किसके ऊपर आएगा, 1/λmin। और हाइड्रोजन एटम के लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, हाइड्रोजन एटम के लिए बोल रहा है। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, राइट? तो 1/λmin इज इक्वल टू आ जाएगा आपका आर, ये भी आर आपका जीरो हो जाएगी, तो आएगा आपका आर इंटू 1/1² यानी कि 1, आर हो जाएगी, 1/λmin की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी सिंपली, राइट? तो यहां से लैम्डा मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 1/r, और ये वैल्यू दी हुई आपको x, ये वैल्यू दी हुई आपको x, ठीक है? यानी x की वैल्यू हो गई आपकी 1/r। क्या कह रहा है, देन कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। क्या कह रहा है, बामर सीरीज बोल रहा है, किसकी बात कर रहा है, नेक्स्ट आपकी बामर सीरीज की बात कर रहा है, बामर सीरीज की बात कर रहा है, बामर सीरीज की बात कर रहा है। बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगी 2, n2 की वैल्यू हो जाएगी, अब जो बात कर रहा है थर्ड लाइन की, बात कर रहा है थर्ड लाइन की, तो 3:2 आता तो फर्स्ट लाइन होती, 4:2 आता तो सेकंड लाइन होती, 5:2 आएगा तो आपका क्या होगा, थर्ड लाइन होगा। n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 5, तो बस वेव नंबर पूछ रहा है इस केस में। 1/λ = RZ² 1/n1² 1/n2² और हीलियम प्लस की बात कर रहा है, तो 1/ वेव नंबर, वेव नंबर यानी इसी की बात कर रहा है, ये आपका क्या है, वेव नंबर, वेव नंबर, ठीक है? इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, RZ² हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 2² / 1/n1² यानी कि 4, 1/n2² यानी कि 5² यानी कि 25, 1/λ इज इक्वल टू यानी कि वेव नंबर इज इक्वल टू, वेव नंबर इज इक्वल टू आप यहां से करते जाओ तो आ जाएगा आपका आर इंटू 4 क्या आएगा आपका, 21/100, इसको आप सॉल्व कर लो आएगा आपका 21/100, इसको आप सॉल्व कर लो 4×4 25 टाइम्स, तो आ जाएगा आपका वेव नंबर इक्वल टू कितना आ रहा है, वेव नंबर इक्वल टू आ रहा है आर इंटू 21.25, ऐसा आ जा रहा है, वेव नंबर इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है? वेव नंबर इक्वल टू इतना आ गया। अब देखो आर, 1/r इज इक्वल टू एक्स था, 1/r इज इक्वल टू क्या था, एक्स था, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो आपको x के टर्म में लिखना, r इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/x, तो 21/25 1/x, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 4th इज द करेक्ट आंसर, ये आ जाएगा आपका आंसर, राइट? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल दो कौड़ी का सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, विच सीरीज, मतलब डैश डैश दे दिया, सीरीज ऑफ लाइंस आर द ओनली लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर्स इन द विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में अपीयर्स होने वाली लाइन कौन सी है, बामर सीरीज की लाइन है, कौन सी है आपकी, बामर सीरीज की लाइन है, बामर सीरीज की जो लाइन है वो किस रीजन में अपीयर होती है, विजिबल रीजन में अपीयर होती है, किसमें होती है, विजिबल रीजन में अपीयर होती है, विजिबल रीजन, ठीक है? तो किसमें अपीयर होती है, विजिबल रीजन में होती है। तो काफी आसान से क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज
इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम करेस्पॉन्ड टू लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोल रहा है इसमें कि लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कौन सा है। लाइमन सीरीज का लास्ट लाइन देखिए, लाइमन सीरीज का लास्ट लाइन देखिए, लिमिटिंग लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्या कहते हैं? लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल ऑफ हीलियम एटम हीलियम प्लस आयन इज ई, देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी। वो आपको मालूम है, आपको मालूम है कि अगर काइनेटिक एनर्जी, ये तो हमने सब डिराइव किया हुआ, अगर काइनेटिक एनर्जी एक्स होता है किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, अगर काइनेटिक एनर्जी एक्स होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -2x होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी एक्स होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -2x होती है। यहां पे किसकी वैल्यू दे रखी है? इफ द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर एक्स होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -2x होती है। आपको मालूम है राइट, ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया होगा। अगर किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक्स होती है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? -2x। तो आप ध्यान दें, आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां दे रखी है। क्या दे रखी है? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है E, और E को आप किसके इक्वल ले सकते हो? -2x से। हमने पहले डिराइव किया हुआ है कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक्स होती है तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू होती है? -2x। और यहां पे -2x की वैल्यू दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दिया E। यहां से आप देखिए E इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं? -2x। आप यहां से x इज इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा -e/2। क्या आ जाएगा आपका? -e/2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -e/2। और x क्या है आपका? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आ जाएगी? -e/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? -e/2। 37 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा -e/2। द वैल्यू ऑफ सेकंड सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, सेपरेशन एनर्जी की बात कर रहा है। n1 = 1, n2 n मतलब n = 1, n is equal to 2, n is equal to 3. Similarly, आपकी n is equal to infinite कहीं पे आएगा, n is equal to infinite भी कहीं पे आएगा। Separation energy start कहाँ से होती है? अगर electron यहाँ से infinite जाए, n1 is equal to 2 से, n is equal to 2 से infinite, याद रखो, separation energy में हम 2 से start करते हैं। अगर आपका n is equal to 2 से, याद है कि नहीं? Notes एक बार कैसे revise करो। Separation energy हम कहाँ से start करते हैं? n is equal to 2 से हमारा सेपरेशन एनर्जी स्टार्ट होता है। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी कहां से स्टार्ट होता है? n is equal to 2 से। सेपरेशन एनर्जी जो है, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी कहां से स्टार्ट होता है? n is equal to 2 से। या तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी हुआ, सेकंड सेपरेशन एनर्जी कहां से होगा? सेपरेशन एनर्जी जो सेकंड होगा वो आपका n is equal to 3 से होगा। तो n is equal to 3 से अगर हम n is equal to infinite पे ले जाए, इस बीच में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, वो होगी आपकी सेकंड सेपरेशन एनर्जी। तो बस देख ले कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डेल्टा E इज इक्वल टू E इनफाइनाइट माइनस E3। इनफाइनाइट में एनर्जी होगी वो कितनी होगी? जीरो होगी। वो कितनी होगी? जीरो माइनस E3। थर्ड सेल में एनर्जी देख लेते हैं, थर्ड सेल में एनर्जी कितनी आ जाएगी? हीलियम प्लस के लिए बोल रहा है -13.6 Z² / n² हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या? 2² अपॉन n की वैल्यू क्या? 3। यहां पे इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 2 2 जा 4 अपॉन 9 आ जाएगा आपका। इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा? 6.04 के आसपास आ रहा है, 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो सेकंड सेपरेशन एनर्जी हमारी ऐसे निकल गई। चलो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इनमें से कौन सा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है? तो अगर आप बात करें कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक कौन सा है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक इसमें से कौन सा होता है? मतलब है तो बहुत सारे एग्जांपल, बट फ्रेंकल और स्कॉट की दोनों ही क्या है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक नहीं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कौन सा आपका इसमें? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कौन सा आपका? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको रेडियस ऑफ एन ए प्लस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कैटायन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कैटायन दिया हुआ है 116 पिकोमीटर, और रेडियस ऑफ एनायन दिया हुआ है, कैटायन मतलब सोडियम प्लस और अनायन मतलब क्लोरीन, ये कितना दिया हुआ आपको? 167 पिकोमीटर। कितना दिया हुआ? 167 पिकोमीटर। आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एनएसीएल क्रिस्टल। आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? एस लेंथ का क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? एस लेंथ पे क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? एस लेंथ पे क्यूब। एस लेंथ यहां से निकाल लेते हैं। एस लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है एनएसीएल टाइप एटम के लिए? एनएसीएल टाइप एटम के लिए आपका एस लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एस लेंथ इज इक्वल टू 2 × r+ + r−। यहां से आप सॉल्व करो, a इंटू 2 116 प्लस 167 पिकोमीटर, ये आपका क्या आ जाएगा? पिकोमीटर में आ रहा है, एक यूनिट तो पिकोमीटर में आ रही है, और पिकोमीटर को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर हो जाएगा। ये a की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और a की वैल्यू इतनी आ जाएगी तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? a क्यूब होगा। आप इसको सॉल्व कर लो, हाँ इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट वाला, आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, मतलब यहां से आपका तो वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब निकाल लो, ठीक है? यहां से आपका a निकल जाएगा, a तो आपका निकल ही गया, वहां से आप वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या कर लो, a क्यूब कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हमसे, ये आप आराम से कर लेंगे, हमें अपने को पता है, मतलब यहां पे देखिए अपने को पता है कि हमको r प्लस की वैल्यू दी है, कैटायन की रेडियस दी हुई है, एनायन की रेडियस दी हुई है, हमें NaCl टाइप क्रिस्टल के लिए एज लेंथ और उसका रिलेशन मालूम है, हमें NaCl टाइप क्रिस्टल के लिए एज लेंथ और उसका रिलेशन मालूम है। एज लेंथ इज इक्वल टू 2 × r+ + r−, हमने यहां पुट किया, एज लेंथ आ गई, एज लेंथ आ गई तो वॉल्यूम आ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रेशियो पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? स्मॉलर होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? साइज में स्मॉलर होता है, राइट? साइज में कैसा होता है? स्मॉलर होता है, क्योंकि अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड में देखें तो आर प्लस अपॉन आर माइनस की वैल्यू कितनी आती है? वो आती है 0.225। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में या तो किसमें आता है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आर प्लस प्लस आर माइनस की अपॉन आर माइनस की वैल्यू कितनी आती है? 0.414। आपका किसमें आता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो जो वैल्यू आती है यहां पे 0.225 और यहां आती है आपकी 0.414 आती है, राइट? तो सीधी सी बात है, टेट्राहेड्रल वॉइड आपका क्या है? स्मॉलर है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका क्या? बड़ा है। इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 42 क्या कह रहा है देखें। आपके जो एटम का नंबर होता है कितना होता है? 6 होता है, राइट? कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 स्टोइकोमेट्री ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू स्कॉटकी इफेक्ट, है ना? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है स्कॉटकी, है ना? स्कॉटकी डिफेक्ट स्टोइकोमेट्री के, स्टोइकोमेट्री इफेक्ट नहीं होती है, मतलब बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट फोर्थ स्टेटमेंट के। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है?
डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज इंक्रीज ड्यू टू सब्सटेंशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। ये गलत है। क्यों गलत है? इंप्योरिटी डिफेक्ट में आपको क्या बताया था कि आपका कैसा होता है, Na plus Cl minus, Na plus Cl minus, Cl minus Na plus, Cl minus Na plus, Na plus Cl minus, Na plus Cl minus, और यहां पे आएगा आपका Cl minus Na plus, Cl minus Na plus। अब देखो इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, ध्यान दो, ये दो आपके एटम, ये दो एटम है, इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, ये दोनों लीक करते हैं, क्या करते हैं आपके दोनों लीक करते हैं, यानी कि दो सोडियम एटम आपका लीक कर रहा है, क्या कर रहा है आपका लीक कौन कर रहा है, दो सोडियम एटम कर रहा है, टू सोडियम एटम लीक कर रहा है, टू एन टू एन प्लस आपके क्या कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके लीक कर रहे हैं। और आता नया क्या आता है, एक एसआर टू प्लस है, आप इंप्योरिटी डिफेक्ट देखे हो तो, इंप्योरिटी डिफेक्ट देखे हो तो आपका एक एसआर टू प्लस आ जाता है यहाँ पे नया, एक इंप्योरिटी यहां आ रही है, एसआर टू प्लस यहां आ रहा है, क्या आ रहा है आपका एसआर टू प्लस आ रहा है, तो आ क्या है, इनकमिंग कौन है आपका, इनकमिंग कौन सा, इनकमिंग कौन सा आपका, एक एस आर टू प्लस है, एक एस आर टू प्लस है। तो अब देखो वॉल्यूम पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, वॉल्यूम पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, जा कौन सा रहे, दो सोडियम एटम रहे, आ कौन सा रहा है, एक एस आर टू प्लस जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि अगर जाने वालों का मास ज्यादा है, आने वालों का मास कम है, आने वालों का मास कम है और जाने वालों का मास ज्यादा है, ठीक है, सोच के देखो इंप्योरिटी डिफेक्ट में हो क्या है, इंप्योरिटी डिफेक्ट में कोई भी दो कैटायन लीक कर रहा है, कोई भी दो कैटायन लीक कर रहा है, उसकी जगह पर एक कैटायन आ रहा है, ओवरऑल हो क्या रहा है, देखो दो कैटायन लीक कर रहा है, एक कैटायन आ रहा है, हमारी साइज तो ऐसी है, वॉल्यूम पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो दो कैटायन लीक कर रहा है, एक कैटायन आ रहा है, तो अगर जाने वाले दोनों कैटायन का वेट मिला के अगर ज्यादा है आने वाले कैटायन से, तो आने वाले कैटायन का अगर वेट कम है, जाने वाले का ज्यादा है, तो हम ऐसा कहेंगे कि वेट कम हुआ है, और अगर आने वाले का वेट ज्यादा है तो हम कहेंगे वेट बढ़ा है। तो डेंसिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, हमेशा बढ़ेगी नहीं, ये जरूरी नहीं है। सोच के देखो अगर दोनों सोडियम के वेट से, अगर स्ट्रोंटियम का वेट दोनों सोडियम के वेट से ज्यादा है, अगर स्ट्रोंटियम का वेट दोनों सोडियम के वेट से ज्यादा है तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर स्ट्रोंटियम का वेट दोनों सोडियम के वेट से कम है तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, 44 में कह रहा है एस सी सी में, बी सी सी में एंड एफ सी सी में लैटिस पॉइंट कौन से हैं? आपको पता है लैटिस पॉइंट कौन से होते हैं, जहां पे एटम प्रेजेंट होता है। एससीसी में एटम कहां प्रेजेंट होते हैं, एट कॉर्नर्स पे होते हैं। एससीसी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहां प्रेजेंट होते हैं, एट कॉर्नर्स पे। कहां प्रेजेंट होते हैं आपके, एट कॉर्नर्स पे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहां होते हैं, आठ कॉर्नर पे होते हैं। तो इसका लैटिस पॉइंट कितना आएगा, एट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एट आ जाएगा। बीसीसी में कहां होते हैं, बीसीसी में आपके एट कॉर्नर तो हो गए, एट कॉर्नर तो हो गए। बीसीसी में एटम कहां कहां होते हैं, एट कॉर्नर पे होते हैं प्लस वन बॉडी सेंटर पे होते हैं। तो इसका लैटिस पॉइंट कितना जाएगा, नाइन आ जाएगा। लैटिस पॉइंट कितना जाएगा, नाइन आ जाएगा। वहीं एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में आपके एट कॉर्नर पे होते हैं प्लस सिक्स फेस सेंटर पे होते हैं। तो इसका लैटिस पॉइंट कितना जाएगा, 14 आ जाएगा, एट नाइन 14। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए आपको दिया हुआ है क्रिस्टल सिस्टम, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, देखिए है ना, मैं पेपर नहीं बना हूं, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मैं बताया था आप क्रिस्टल सिस्टम याद रखिए, अब इस पे क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, राइट। चलिए तो यहां पे ए की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, 5.62 एंगस्ट्रॉम। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7.41 एंगस्ट्रॉम। और सी की वैल्यू दी हुई है आपकी कितनी, 10.31 एंगस्ट्रॉम। और बोला तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इट मींस व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, क्योंकि तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, राइट। ऑल्सो ए बी सी की वैल्यूज दी है, और यहां से क्लियरली विजिबल है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और ये जो भी क्राइटेरिया आ रहा है, ये जो भी हो, किसका है, ऑर्थोरोम्बिक का है, किसका है, ऑर्थोरोम्बिक का है। हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, यानी कि ऑर्थोरोम्बिक आपका क्या हो जाएगा, यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस ये 45 क्वेश्चन हो गए आपके पूरे। इस हिसाब से डीसीआरटी 1 के केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन होता है यहीं पे पूरा। आगे भी आप अच्छे से तैयारी करते रहें, खूब मेहनत करें, मन लगा के पढ़ाई करें।
है ना, और अच्छा नंबर लेके आए, मेहनत तो बिल्कुल है ना खाली ना जाने दें। मिलेंगे आपके अगले टेस्ट के डिस्कशन में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, टाटा बाय बाय।